हेलो गाइस, आपको स्वागत है हमारे वीडियो पे। और आज मैं बताने वाला हूँ 9th क्लास में एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। गाइस तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें वीडियो को शुरू करते हैं। एक चतुर्भुज के कोण 3, 5, 9, 13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो हम नीचे लिख देंगे माना चतुर्भुज के कोण, और ऊपर जो जो हमको अनुपात में नंबर दे रखे हैं हमको वही उतारना है, बस उसमें x लगा देना है। तो 3x, 5x, 9x एंड 13x। और नीचे हम लिखेंगे चूंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल 360 होता है, ये हम सभी को पता है। सो 3x+5x+9x+13x इनको हम प्लस करके इज इक्वल टू 360 लेंगे। अगर हम इनको प्लस करते हैं तो 30x आता है, 30x इज इक्वल टू 360। सो x इधर आ जाएगा और हम इज इक्वल टू डाल के 360 डालेंगे और नीचे में हम 30 से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा 12 डिग्री आ जाएगा। सो 3x इज इक्वल टू हम 3 × 12 करेंगे क्योंकि हमारा आंसर 12 आया था, तो 36 डिग्री आ जाएगा। 5x इज इक्वल टू 5x 12 कर देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। और 9x इज इक्वल टू 12 कर देंगे तो 108 डिग्री आ जाएगा। एंड 13x इज इक्वल टू 13 × 12 करेंगे तो 156 आएगा। तो इस प्रकार चतुर्भुज के वांछित कोण हैं 36, 60 डिग्री, 108 डिग्री, 156 डिग्री। थैंक यू गाइस, वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।